लेकिन एटलीस्ट एज फार एज किन्नौर इज कंसर्न, हमने इतना जो नोटिस नहीं किया वो ट्रांसमिशन लाइन की वजह, मतलब यही फायर हुआ वो इतना जो हमने नोटिस नहीं किया। बट फिर भी मतलब मैंने हम लोग भी यूसर एजेंसीज और बाकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो हम वी आर इन टच, और हमने काफी बार इनको बोला जो पुराना लाइन से उसको रिप्लेस करना है और जो क्लियरेंस है वो मेंटेन करना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर दैट विल बी दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन फॉर फॉरेस्ट फायर। सर आपके पास समय भी नहीं है, मैं 2-4 मिनट और आपसे लूंगा। जी। सभी पंचायतें विकास के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस लेती है, चाहे सड़क बनाना हो चाहे बिल्डिंग बनाना हो, वो अपना काम करती है, लेकिन बाद में पर्यावरण पर ध्यान नहीं देती है। उनका फर्ज नहीं बनता है कि जितना उन्होंने अपना एरिया में विकास कराया उससे ज्यादा वो पेड़ पौधे लगाए। इस पर आप थोड़ी सी प्रतिक्रिया करें। इसमें जो जितने हमारा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह बिना जो ग्राम सभा और जो भी है, विदाउट देयर कंसेंट वी आर नो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विल टेक प्लेस इन किन्नौर, और ऐसे भी नहीं कर रहे हम। और यो डेवलपमेंट की वजह लोग भी मतलब पीपल आर वेरी प्रोएक्टिव एज फार एज किन्नौर इज कंसर्न। जो जितने हमारे जो FRR का केसेस है, FCA का केसेस है, उसमें लोग को जो जो भी इंटरेस्ट है, जितना जितना पेड़ हम काट रहे उतने जो एटलीस्ट डबल द अमाउंट ऑफ द ट्रीज वो प्लांटिंग भी कर रहे हैं। और लोगों का मतलब ग्राम सभा और काफी ग्राम प्रधान और उप प्रधान और जो भी है, मैंने इंटरेक्ट किया, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग द हैबिटेट। उनको काफी इंटरेस्ट है मतलब पौधा रोपण करने के लिए, और जो अपनी अपनी जगह पे मतलब हर लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी देने करने के लिए वो काफी लोगों का इंटरेस्ट है, और वो सक्सेसफुल भी है। और आई एम वेरी प्राउड टू से दैट किन्नौर में जितने लोग हैं प्लांटिंग कर रहे हैं, दे टेक खुद खुद उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पौधे मतलब टू प्रोटेक्ट इट एंड टू एंश्योर दैट वो सर्वाइवल एंश्योर करने के लिए काफी इंटरेस्ट लेते हैं। इसमें एक चीज है, जो जितने हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं उतने हम ध्यान रख रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन में भी, क्योंकि आई वुड ये मतलब प्लेटफॉर्म है, मतलब आई वुड लाइक टू सेंड अ मैसेज। हमारा जो चिलगोजा का जो फॉरेस्ट है, इट इज वन ऑफ अ काइंड, क्योंकि ये दुनिया में सिर्फ दो जगह में है, एक पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर में है, दूसरा जो हमारा जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न जो ये हिमालयस होता है ना, नॉर्थ ईस्ट हिमालयस जो हिमाचल और जो थोड़ा सा कश्मीर है और थोड़ा चंबा बरमूर जगह में, सिर्फ यही जगह में। और दुनिया में इतने बड़े पैच चिलगोजा दुनिया में कहीं भी जगह में नहीं है। तो जी चिलगोसा का जो पौधा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका जो ट्रेशर है, ये जो चिलगोसा है, इट इज द ओनली स्पीशीज जो कॉनिफर में 23 स्पीशीज है, सिर्फ एक ही स्पीशीज है नट यील्डिंग स्पीशीज है, बाकी जो देवदार है बाकी जो चैल जो भी है उसमें आप जो नट है ना वो एडिबल नहीं है। इट इज द ओनली नट यील्डिंग स्पीशीज और इतना न्यूट्रिशियस है। लेकिन इसमें जो चिलगोसा का पेड़ को बचने के लिए हम लोग है ना, हम थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि हम इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, हम अभी तक मतलब वी आर नॉट अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चिलगोसा। हम लोगों ने चिलगोसा को इतना हार्वेस्ट कर रहे हैं अनसाइंटिफिकली, जो लोगों को राइट्स है चिलगोसा का जो फॉर जंगल में उनका राइट्स एक्सरसाइज कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जो हर पेड़ में सारे जो चिलगोसा का कोन को हार्वेस्ट नहीं करना है, इसकी वजह क्या हो रही है, लॉन्ग टर्म में आपका जो चिलगोसा का जो जंगल है पूरा खत्म हो जाएगा। सिर्फ पेड़ देर विल बी ओनली ट्रीज, बट वो तो नट और जो कोन्स है वो फिर पूरा मतलब यू विल लूज इट। इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स काफी है। आपको पता है चिलगोसा का जो निवजा का है ना, 1 किलो मतलब 2,000 और दो मतलब 2,500 तक वो तो मार्केट का जो प्राइस है, लेकिन हम इसको जो ना जल्दी हार्वेस्ट कर रहे हैं। इट इज लाइक जो वो एक पेड़ में जो है ना आपको जितने कोन्स आ रहे हैं ना उसको पूरा हार्वेस्ट नहीं करना है, उसको एटलीस्ट 5-6 कोन्स को ऐसे रखना पड़ेगा। सो इसलिए आपका दूसरा नेचुरली रीजेनरेशन अच्छा हो जाएगा। सो ये चिलगोसा का पौधा है किन्नौरी लोगों का जो ट्रेशर है, वो मतलब आपका जो ब्लेसिंग है, ऐसे जो जंगल है आपका बीच में, ठीक है, इसको आप प्रोटेक्शन का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो जिम्मेदारी आपका है, और हमारा डिपार्टमेंट है इसको सपोर्ट करने के लिए। हमारा चिलगोसा नर्सरी जायका में और बाकी नर्सरीज में अलग ही हमने नर्सरी का प्रोविजन है, हमारे पास अच्छे अच्छे चिलगोसा का पौधा है। अभी अगले साल आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे सारे लोग है ना चिलगोसा की प्लांटिंग करेंगे, खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे और इस चिलगोसा का जो जंगल है प्रोटेक्ट करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। ये मेरा मैसेज चिलगोसा का, एक जो फायर का और दूसरा जो चिलगोसा का।
अंतिम दो दो सवाल मैं रखूंगा यहाँ पर, बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार हाँ आपको जी समय नहीं मिलेगा। हाँ सर, जी टेम्परेचर बढ़ने से, जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, पर्यावरण का जो स्तर में दिक्कत जो है, विकास में जो है दिक्कतें आई है। मैं चिलगोजा में अब जो है अपर बेल्ट में एक शिकायत आई थी कि अब इसमें बीमारियां आ रही है। क्या आपके नॉलेज में आया सर कि चिलगोजा के अंदर में भी कुछ बीमारियां तैयार हो गया है? चिलगोजा का अंदर भी बीमारी आ रही है, ये तो मेरा जो मतलब आया, मेरे को जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं आया, लेकिन नेचुरली चिलगोजा का अंदर बीमार आएगा, क्योंकि इसमें जो दिक्कत यही है, जो जितने लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं जो चिलगोजा का जंगल में, उसमें अनसाइंटिफिकली हार्वेस्ट कर रहे हैं। मान लो जो चिलगोजा को ब्रांचेस है, ठीक है, आपका चाहिए चिलगोजा का जो नट जो कोन होता है ना, उसको पकड़ के उसको सिर्फ उसको हार्वेस्ट करके आपको नियोजा निकालना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका जो पूरा ब्रांचेस काटेंगे। अगर ब्रांच काटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो जो अंदर जो भी आपका जो वो जो स्टेम है वो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है, वो एक्सपोजर की वजह ऑटोमेटिकली जो जो पेड़ है वो मर जाएगा, है ना, यही है कारण। अदरवाइज चिलगोजा ऐसे पेड़ है वो जो बिल्कुल ही आपका जो पत्थर के बीच में जो सॉइल में आपका जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है ना, ऐसे जगह में चिलगोसा आएगा। चिलगोसा का स्पेशलिटी यही है, आप इसको जो पानी भी नहीं डालना है, ठीक है, और जो पत्थर को बीच में भी आएगा, सिर्फ आप उसको डिस्टर्ब मत करना है। जो चिलगोसा ऐसे स्पेशल स्पीशीज है जो बिल्कुल ही स्टीप स्लोप्स में और जो पत्थर को बीच में है ना, बिल्कुल ही पानी नहीं चाहिए उनको, और बिल्कुल ही मतलब जो आपका जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी नहीं चाहिए, ऐसे जगह में चिलगोसा आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो इंटरफेरेंस बोलते हैं, बायोटिक इंटरफेरेंस, हम जंगल में जाएंगे जा रहे हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे चिलगोसा को हम मार रहे हैं, ठीक है, और ये जो चिलगोसा ऐसे पेड़ है ना, वो जो 200 ईयर्स का जो मतलब उसका जो लाइफ स्पैन होता है, और ये जो बहुत स्लो ग्रोइंग स्पीशीज है। अभी अभी भी आप देख लो, अगर एक चिलगोसा का पेड़ अगर आपका घर में अगर आप प्लांटिंग करेंगे, वो 10-20 साल के बाद भी इतना सिर्फ इतना ही आएगा, वो इतना स्लो ग्रोइंग स्पीशीज है। और लेकिन हमारे पास इतना बड़ा बड़ा पेड़ है, एक मतलब 150 साल का और 200 साल का पेड़ है, वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि लोग साइंटिफिकली अनसाइंटिफिकली हार्वेस्ट कर रहे हैं, जो ब्रांचेस का काट रहे हैं ना, फिर वो एक्सपोज होएगा, एक्सपोज होने की वजह ऑटोमेटिकली वो मर जाएगा। सो ऐसे चीज हमने नहीं करना है। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने रखा हुआ है कि महोदय जी, ये कहते हैं कि हमारा हमारा जो है रोगी गांव है सर, रोगी गांव का गांव है, और वहां वहां से ये रुनंग गांव में गाय कल्पा से वहां तक जो है लोकल गाय ले जाते हैं उस एरिया में चराने के लिए। वहां पर पानी का स्रोत सूख गया है और गाय को थोड़ा नीचे उतारना पड़ता है, लेकिन वहां पर जो ज्यादातर जो है भालू का शिकार हो जाते गाय। तो ऐसे में आप कुछ कर सकते हैं वहां का है रोगी वाला एरिया और ये रुनंग वाला एरिया में? बिल्कुल बिल्कुल, हम करेंगे। इसमें जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में जो बालू, इसलिए बालू जो वैसे भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो देख लो जो भी हम रहते हैं जो जंगल है, वो जो बालू का जो सारे उनका जंगल है, लेकिन हम वी हैव एनक्रोच, हमने एनक्रोच किया, लेकिन इसमें जो एक लाइन है, जो हम अगर उनको उसको जो नुकसान नहीं करेंगे वो हमको नुकसान नहीं करेगा, इसलिए मतलब हम थोड़ा ध्यान रखना है। नंबर 1, जितने लोग हैं मतलब अगर बालू का जो आसपास अगर दिख रहे हैं और इसका मूवमेंट है, तुरंत हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को काइंडली इंफॉर्मेशन तुरंत पास ऑन करना बहुत जरूर है, सो दैट हम वहां पहुंचेंगे, फिर वी विल ट्राई टू मैनेज द सिचुएशन। सेकेंडली, जो भेड़ बकरी, उसको बचने के लिए इसको एक ही तरीका है, आपका जो प्रोटेक्शन है ना, जो आपका जो भेड़ बकरी का जो जगह है ना, उसको थोड़ा सा एनक्लोज टाइप में करना पड़ेगा, अदरवाइज वैसे भी बालू तो उसको नुकसान नहीं करेगा, वो अपने आप मतलब इट इट मैनेजेस इट्स ओन बिजनेस, लेकिन अगर हम उसका थोड़ा नुकसान करेंगे तभी फिर दिक्कत आ जाएगा। इट इज लाइक एंश्योरिंग दैट हम उसको उसको जगह में भी उसको रहने के लिए हम वी शुड अलाउ, और हम भी मतलब प्रोटेक्शन मेशर्स हम करना है। अगर इसको स्पेसिफिकली अगर आपको कुछ प्रोटेक्शन मेशर्स के लिए कुछ करना चाहिए तो काइंडली मेरे ऑफिस में आ जाओ, मेरा ऑफिस तो हमेशा मतलब 20 आपका जो 10 से 5 6 बजे तक खुला है, मैं ऑफिस में हूँ, मैं तुरंत उसका जो प्रॉब्लम्स के लिए मैं सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि इसमें जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है ना, वो इट कैन नॉट बी डन।
इसमें अलग अलग जगह में अलग अलग सॉल्यूशन करना है। सो वहां जगह में मौके पे देखना पड़ेगा ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, ठीक है। और आप लोगों ने जो भी जितने भी लोग हैं अगर वहां पे क्या क्या मेजर्स मतलब देव अडॉप्टेड टू प्रोटेक्ट करने के लिए, ये देख करके हम एक सोल्यूशन कैन बी गिवन। सो इसमें जो सोल्यूशन है यही है, प्रोटेक्शन मेजर्स करना है, और रात को मतलब जो बच्चे हैं और जो लोग हैं दे शुड अवॉइड गोइंग इन टू द जंगल और नियर द जंगल। अगर बालू दिख रहे हैं ऐसे दिखे थे तो काइंडली इन्फॉर्म द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हम तुरंत विल टेक एक्शन, ठीक है। जी महोदय जी, अंतिम एक दो सवाल और है। जो निगुलसरी हादसा हुआ था पिछली बार, और ऐसे कई जी स्लाइड एरिया है, निगुलसरी से हम आप आते हैं तो उड़नी का ढाक हो गया, चगांव का गर्म पानी हो गया, ऐसे कई जगह है, तो ऐसे में क्या फॉरेस्ट जगह ने कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ सुझाव या कोई ऐसा काम करने का सोचा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और वहाँ कोई सील किया जाए उस एरिया को? हमने बिल्कुल सोचा, निगुलसारी का जो इंसिडेंट, इट इज अ वेरी सैड इंसिडेंट, और इट वाज समथिंग दैट इज अफेक्टेड द एंटायर, इट इनफैक्ट शुक द एंटायर पीपल ऑफ किन्नौर। सो ऐसे जो इंसिडेंट प्रिवेंट करने के लिए एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक टीम भी आया, और वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमने काफी रेकी किया, और सर्टेन हमने काफी जगह हमने आइडेंटिफाई किया जो पोटेंशियली जो स्लाइडिंग का जगह है। वहां पे जगह में हमने जो सॉइल का जो सॉइल कंजर्वेशन का वर्क से आपका जो क्रेट वायर का या आरसीसी वॉल का, क्योंकि ये जो अगर आप निगुलसारी का इंसिडेंट देखेंगे तो वो उसका जो इंसिडेंट स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी हायर पोर्शन, जो काफी ऊपर जगह से वो स्लाइड शुरू हो गया। तो इसके लिए हमने इस बार साइंटिफिकली अगर ये सॉइल कंजर्वेशन वर्क्स में थोड़ा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से काफी उनका जो रिकमेंडेशन से वो फॉलो करके हम जो ऊपर वाला जो जगह के सॉइल कंजर्वेशन वर्क्स कर रहे हैं, और हम जितने जगह हम प्लांटिंग कर सकते हैं हम प्लांटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो प्लांटेशन से वो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म कॉस्ट। और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें जो काफी मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय द डेप्यूटी कमिश्नर, वेरन हमने जो भी जगह हमने आइडेंटिफाई किया वहां सेंसर इंस्टॉल करना है। अगर सेंसर्स इंस्टॉल करेंगे तो तुरंत हम लोगों को मैसेज आएगा अगर कुछ मूवमेंट है तो, सो दैट ट्रैफिक कैन बी स्टॉप। ऐसे काफी चीज अलोंग विद एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेट करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हम भी कर रहे हैं। हम इसमें जो है ना काफी जो जितने स्लाइडिंग पॉइंट्स है उसमें हम पत्थर मतलब रिमूवल ऑफ बोल्डर्स, और जो अगर आप इसमें भी देख लेंगे तो निगुलसारी इंसिडेंट में काफी बड़ा बड़ा देवदार है, सॉरी जो बच्चेरी जो इंसिडेंट हुआ जो उसमें भी काफी बड़ा बड़ा देवदार का पेड़ है, वो इतना बड़ा बड़ा बोल्डर्स को उन्होंने इट इट स्टॉप्ड इसकी वजह। और तो जो अदरवाइज अगर वो पेड़ नहीं है तो और नुकसान ज्यादा मतलब इट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर वुड हैव बीन इवन मोर, लेकिन वो पेड़ की वजह काफी हम लोग को बेनिफिट हुआ। सो ऐसे जगह हमने आइडेंटिफाई किया, वहां पे हम प्लांटेशन भी प्रपोज कर रहे हैं, और जो रॉकी स्ट्रक्चर है वहां पे हम नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम सिर्फ यही करते हैं जो जगह में रिमूवल ऑफ बोल्डर्स करते हैं, जो स्लोप स्टेबलाइजेशन का स्टीम्स है, ठीक है, वही हम कोशिश कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ, और हमने काफी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट सच इंसिडेंसेस इन द फ्यूचर। जी लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ सुझाव हाँ दिया जी है कि वन मोर सबमिशन इज दैट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड वर्क नो प्लांटिंग दैट लोकल स्पेसिफिक सच एज दिन नॉन स्प्रूट्स, कहते हैं कि जी जी एरिया का जो बिल्कुल हमारा बिल्कुल, नहीं लोकल वो तो जी अच्छा, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वो तो अच्छी मतलब इट्स अ वेरी गुड ओपिनियन, और आई आई वुड से अ वेरी गुड द क्वेश्चन दैट हम लोग अभी भी काफी जो लोकल स्पीशीज है, मान लो अगर मालिंग ऊपर जगह में जूनिपर है, रोडोडेंड्रॉन्स है, ठीक है, इसका जो नर्सरी हम इस साल से हम शुरू किया ऑलरेडी, आपका जो मालिंग जो ऊपर जो कोल्ड डेजर्ट एरिया में है ना वहां पे हमने जो लोकल स्पीशीज लाइक पिंक रोड और रेड्रॉन है, आपका जो जूनिपर है, और हमारा जो चिलगोसा नर्सरी है ना, चिलगोसा नर्सरी में हमने एक प्रोजेक्ट का जो हमने स्टिपुलेशन ये था वो मॉडल नर्सरी बनेगा मोरंग में, वी प्रपोज जो एक मॉडल नर्सरी फॉर पर्टिकुलरली ओनली फॉर चिलगोसा, सो दैट जो जितने भी आपका जो चिलगोसा का जो जंगल है वो बढ़ने के लिए। सो वैसे भी हमारा नर्सरी का प्रोटोकॉल भी यही है, हम सिर्फ लोकल स्पीशीज डेवलप करते हैं, और भी जो लोकल स्पीशीज है यहाँ वो डॉक्यूमेंटेड है, उसको भी हम रिवाइव करके वी विल डेफिनेटली एंश्योर दैट जितने भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं वो सिर्फ लोकल स्पीशीज ही कर रहे हैं,
वो बाहर एग्जॉटिक स्पीशीज हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उसका जो नुकसान, जो इकोसिस्टम को भी मतलब वो नुकसान करेगा, और उसका जो सर्वाइवल भी, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो इसलिए माय सबमिशन इज दैट हमारा नर्सरीज में जितने आप स्पीशीज देख रहे हैं वो पूरा लोकल स्पीशीज है। सर अंतिम, अब जो युवा पीढ़ी राजनीति की ओर जा रहा है पंचायत से लेकर अन्य जो है पॉलिटिक्स में, उनके लिए पर्यावरण से संबंधित कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सॉरी, किसको किसको मैसेज, क्या मैसेज है? हेलो युवा पीढ़ी जी। जितने भी हैं जनप्रतिनिधि पंचायत से लेकर अन्य उसमें भाग ले रहे हैं, अब राजनीति क्षेत्र में भी, सबसे जी कहते हैं कि राजनीति से ही जो है हर चीज होता है, उनके लिए कोई मैसेज अपने पंचायतों में, अपने बूथ लेवलों में कोई ये पर्यावरण से संबंधित? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसमें जो सारे जो मतलब हम लोग मतलब वी आर सिविल सर्वेंट्स, हम लोग लोगों के जो हम ड्यूटी कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, जो हमारा जो एक्ट बोलते हैं और जो प्रोसीजर है सिर्फ वही फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन कोई मतलब ही नहीं है। जो पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस है उसको भी यही है, दे आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट, और जो जितने लोगों के साथ काम करने है वही है उनको भी। सो दैट वी नीड टू कीप जो पॉलिटिशियंस का जो व्यूज है दैट शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन वॉट एवर वी डू, क्योंकि दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब यही है जो दे रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द पीपल। सो इसलिए उनका व्यूज बहुत जरूर है, जरूर सुनना है, और हम भी सुन रहे हैं, और लेकिन वी फॉलो द प्रोसीजर, जो रूल क्या बोलते हैं, जो लॉ क्या बोलते हैं, सिर्फ वही हम फॉलो करके कर रहे हैं। सो मेरा जो रिक्वेस्ट और मेरा जो मैसेज है टू ऑल द यूथ और जो भी पंचायत और जो सारे आम आदमी को, यही है आपका जितने भी काम करना है और जो आपका रिक्वेस्ट है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, क्योंकि आजकल यही है, नो बड़ी हम सीलोज में हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम वी आर ऑलवेज एक्सेसिबल, ठीक है? और मैं हमेशा मैं टूर में हूँ, जो हमारे मेरा रेंज ऑफिसर से एवरीबडी, आप इसको जो जो भी आपका जो रिक्वेस्ट है, आपका जो डेवलपमेंट का या फॉरेस्ट का या प्लांटेशन का या फॉरेस्ट फायर का, जितने जो भी आपका रिक्वेस्ट है, यू कैन ऑलवेज कम टू माई ऑफिस। और जो अभी व्हाट्सएप है आपका, जो भी कंप्लेंट्स है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है? सो मेरा नंबर भी काफी लोगों के पास मेरा नंबर है, तुरंत मेरे को आपका जो भी नुकसान हो रहा है जंगल में या इलीगल फेलिंग हो रही है ना, मेरे को तुरंत आप व्हाट्सएप में आप मैसेज करवा लो, आई विल इंश्योर दैट प्रॉम्प्ट एक्शन इज टेकन। यही मेरा मैसेज है, ठीक है? सो जो ये शो में फॉर इन्वाइटिंग मी, आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैं सारे जो जितने भी क्वेश्चंस आए, आई होप आई हैंडल देम वेल, और मैं सो इन माय ओपिनियन आई थिंक आई आंसर देम प्रॉपरली। सो मैं आपको जी भी धन्यवाद करता हूँ। जी हाँ जी, आप हमारे किनोर अब तक पेज से जुड़े, और इसके लिए दो शब्द आप कहेंगे सर? सॉरी, आप हमारे पेज किनोर अब तक से जुड़े, इसको बाद में भी लोग देखेंगे, तो इसके लिए आप पेज के बिल्कुल लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो मतलब काफी मैं इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है ना, बाद में भी हम जी काफी वी विल कीप इंटरैक्टिंग है ना, मैं जो जितने चलिए, भी मैसेजेस हैं मैं डालूंगा जो पेज में, ठीक है? आई विल ऑलवेज बी एक्टिव, ठीक है जी, तो जी। ठीक है सर, शुभ रात्रि, थैंक गुड यू नाइट, ड्राइवर, फिर मिलते हैं कभी। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमारे साथ जुड़े थे हमारे आज के अतिथि, हमारे आदरणीय रेजिनल्ड रोस्टेन, जो हमारे किन्नौर के हमारे वन संरक्षण अधिकारी है, उप वन संरक्षण अधिकारी रिकांगपियो। तो हमारा विषय था आज का पर्यावरण और वन्य जीव प्राणी संरक्षण के बारे में। तो मिलते हैं, कल हमारा होली है, होली पर 11 बजे आपसे सम्मुख होंगे। हमारे होली में जो है कवियों के सम्मेलन रहेगा, कवियों का होली कैसा रहता है आपके समक्ष रखेंगे। 11 बजे जुड़ना ना भूलें हमारे साथ होली का जो है कविताओं के संग। तो तब तक के लिए नमस्कार, और सभी जितने भी हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से जो पर्यावरण हमारा दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है, उसके लिए सब जो है सतर्क रहे, सब जो है जहाँ आग लग रहा है, जैसे कि अतिथि महोदय ने कहा कि एक गड्ढा बनाए अपने आसपास की चीजों को, वहाँ गड्ढे में लाकर जो वहाँ जलाए, क्योंकि खुले में लगाने से जो है हवा का रुख जो है से जो है हमारा जो आग एकदम पकड़ जाता है, क्योंकि हमारा किन्नौर जो है पूरा हवा से जो है हर जगह में हवा रहता है, तो इसलिए ध्यान दें। और खास